जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं शरीफ चिश्ती, चिश्ती बिजनेस प्लान में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज मैं किसान भाइयों के लिए और तमाम भाइयों के लिए एक ऐसी चीज़ मुनफरद तोहफा आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत से भाइयों की डिमांड आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि हमें जो है खालिस शहद अवेल किया जाए। पहले भी आप खालिस ही अवेल कर रहे थे, लेकिन आज जो हमारे पास माल मौजूद है, अभी हमने इतनी गर्मी में उतारा है, तकरीबन काफ़ी शहद निकल आया है, तो जिस भाई को भी चाहिए वो हमसे रब्ता कर सकता है और शहद के बारे में मज़ीद हम आपको मालूमात भी फ्राहम करेंगे। बिल्कुल हमारे पास खालिस और ताज़ा शहद मौजूद है, अभी अभी हमने उतारा है। जो भाई डिमांड कर रहे थे के लिए भी हम ये शहद लेके आए हैं। अभी तक ये छल्ले में सिथे में मौजूद है, अभी तक हमने इसको फिल्टर नहीं किया, निचोड़ा नहीं है। तो जिन भाइयों की डिमांड और ख्वाहिश होती है कि हमें छल्ले के साथ सिथे के साथ फ्राहम किया जाए, तो उनके लिए भी ये अवेल है। वो इधर आ जाए हमारे पास, हम नहीं निचोड़ेंगे, वैसे ही आपको दे देंगे। तो जिन भाइयों को इत्माद है वो हमसे रब्ता कर ले, हम फ्री होम डिलीवरी पाक पतन में हमारी है। इसके जो बैरून मुल्क हैं वो चार्जेस आपको पड़ेंगे, बरौनी सिटी भी आपको चार्जेस पड़ेंगे। जिस भाई को भी चाहिए, अभी हमने ये खालिस शहद उतारा है, अभी हमारे पास पैकिंग मौजूद है, इसकी पैकिंग करेंगे। ये भाई बैठे हुए हैं, ये इसके जो फिल्टर कर रहे हैं, इसमें से जो मवाद है वो निकाल रहे हैं। तो शहद काफ़ी अच्छा शहद हमारे पास आ गया, बेरी का शहद भी होता है, कीकर का भी शहद होता है, छोटा बड़ा देसी हर तरह का आपको शहद मिल जाएगा। तो उसकी प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो आजकल का शहद होता है इसकी तो हम गारंटी देते हैं, ये बिल्कुल जमेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। 5 साल तक अगर आपका बोतल में पड़ा रहे तो वो ख़राब नहीं होगा। ये हमारे पास जो शहद मौजूद है, हम इसकी 5 साल की आपको गारंटी देते हैं। जम जाए या स्मेल मार जाए या ख़राब हो जाए तो हम अपने शहद वापस करेंगे। और जो भाई उतार कर मेरे साथ आए हैं, उतारने के लिए एक्सपर्ट हैं, उतारने में काफ़ी महारत रखते हैं, काफ़ी दिनों से इनका कारोबार यही है, तो ये मेरे साथ मिलकर उतारने में मुझे मदद करते हैं। ये मेरे जिसमें ले उस्ताद भी है, उतारने का तरीकाकार इनका जो है वो डिफरेंट है, बिल्कुल डरते नहीं, झिझकते नहीं और खालिस चीज़ हमें फ्राहम करते हैं, काफ़ी इत्माद है इन पर। तो उनसे पूछते हैं कुछ सवालात के इसके उतारने का क्या तरीका है और खालिस शहद की पहचान क्या है, आइए उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई जान, ये शहद हमने उतारा है, ये बताएं कौन सा शहद है, किस दरख्त का शहद है? ये आम्ब का बूरा तो बेरी का बूरे। अच्छा, बूरे का वो कह रहे हैं कि आम्ब के बूरे ते बेरी के बूरे का खालिस शहद अभी उतार के लाए हैं। तो ये नाजरीन ने दस है कि जो आजकल का शहद गर्मियों का शहद होता है, इन सर्दियों का शहद की फर्क है, ये चंगा है या दूसरा चंगा है? पिछले दिनों में है ना सरों के फुला, सरों के फुला वो जम जाता है, वो नहीं सही रहा, तो वो पिछले जो कत्ते का वो भी नहीं जमता, सही ये भी नहीं जमता। भाई भी कह रहे हैं जो मार्च अप्रैल का होंगे जो बरसीमा का मौसम होता है, वो शहद कच्चा शहद होता है, वो जम जाता है, तुरश होंगे, तो जो अजकल का शहद है ये बिल्कुल जमता नहीं, प्योर नाले जिस ना ज़्यादा कहते हैं घाटा भी होता है, इस तरह ही ना पतला नहीं होता, ख़राब नहीं होता। तो ये आज जो चीज़ उतार के ले आए हैं बहुत ही अच्छी है, बहुत ही क्वालिटी मालिक है, इसकी हम फुल आपको गारंटी देंगे। तो आखिरी बात हमें ये बताया कि उतारते वक्त आपको कोई मुश्किल या परेशानी तो नहीं होती, मक्खियाँ वगैरह तो नहीं लड़ती? नहीं, ये धूप देने ना सिथे का, तो वो कह रहे हैं कि हम धुआं वगैरह देते हैं सिथे का, ये इसको सिथा कहते हैं जिसमें हम शहद निकालते हैं, इसको सिथा कहते हैं। हाँ जी, इसी को सिथा कहते हैं। इसको आग लगा के धुआं वगैरह बना के जब मक्खियों को दिया जाता है तो वो बिल्कुल इसके नज़दीक नहीं आती, वो दूर चली जाती है और हम जो है शहद वो उतार लेते हैं। एक दो बार हमने भी कोशिश की है उतारने की, तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीख जाता है। तो जो भी चीज़ हम लाते हैं प्योर लाते हैं, जिस भाई को भी चाहिए वो हमसे रबता कर सकता है, मैं अपना व्हाट्सअप का नंबर भी दे रहा हूँ, तो जो रेट है वो भी मुनासिब ही होगा, ज़्यादा इतना रेट नहीं होगा और चीज़ खालिस से प्योर होगी आपकी, आपको